हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 का क्लासेज चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। उसी तरीका से एसएससी जेई टायर 1 का क्लासेज कंटिन्यू चलाया जा रहा था। अब जो है कंटिन्यू इस चैनल पे चलाया जा रहा है अभी क्लासेज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो ऑफिशियल जो आंसर किया है दोस्तों, उसका कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आपको बता दें कि आप लोगों के लिए ये कल से मैं लगातार सर्वे कर रहा था दोस्तों। तो आखिरकार सर्वे करने के बाद जो सटीक एक जो है आपका जो रॉ मार्क्स जो आया है, उसका सटीक जो आंसर जो कट ऑफ कितना जा सकता है एक एक्सपेक्टेड दोस्तों, वो आपके सामने एक डाटा शीट तैयार करके लाया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा डिटेल में सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो नए हैं इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू क्लास है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का भी कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे हर एक मटेरियल अच्छे लेवल का प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो सर्वे किया गया था, कुछ यहाँ पे सर्वे भी कराया गया है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 कट ऑफ सर्वे आफ्टर आंसर की, आंसर की के बाद दोस्तों यहाँ पे इस सर्वे में लगभग 6166 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। इसमें दोस्तों सिर्फ यहाँ पे ये पता चला है कि कौन से स्टूडेंट ने कितना जो है यहाँ पे सर्वे किए हैं। तो देख सकते हैं सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीएमए पोस्ट वाले सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी का परसेंटेज कितना कितना जो है स्टूडेंट यहाँ पे इस सर्वे में पार्टिसिपेट हुए थे, उसका सभी का रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेंशन किया हुआ है। हम लोग इसके बारे में नहीं चलते, अब चलते यहाँ पे जो आपका एक तो सर्वे ये हुआ था दोस्तों, और उसके बाद जो सर्वे यहाँ पे मैं देखा हूं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि आंसर की आने के बाद दोस्तों कितना आंसर में जो उनका जो है नंबर आया है। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे नंबर यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, कुछ और भी चैनल पे मैंने जाकर के देखा, उसका कमेंट सेक्शन में जाकर के देखा तो वहां पे सब स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कितना कितना कौन से जोन कौन से कैटेगरी वाइज जो है नंबर आया है। देख सकते हैं ये सभी सर्वे करने के बाद दोस्तों आखिरकार एक सटीक जो है, देख सकते हैं सभी का कमेंट भी यहाँ पे है, एक सटीक कितना जो है कट ऑफ हो सकता है अभी के अनुसार सेफ स्कोर कितना होगा, सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी सर्वे किया गया था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे 26/9 को कल यानी शाम को लगातार यहाँ पे सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितना कितना उनका नंबर आया है, एग्जैक्ट स्कोर आंसर के बाद यहाँ पे सब मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल में है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें कुछ अलग अलग जोन के भी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, ब्रांच वाइज उनका कैटेगरी क्या था, कौन सा शिफ्ट में कौन सा एग्जाम था, ये सभी जो है लगातार कमेंट यहाँ पे जो है सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों फाइनल जो एनालिसिस करने के बाद जो यहाँ पे फाइनल एनालिसिस, ये सभी सर्वे करने के बाद दोस्तों फाइनल जो एनालिसिस आया है वो क्या आया है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कितना सेफ स्कोर होगा, वो सारी हम लोग इस वीडियो में सारी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें पूरा डिटेल में बात किया जाएगा कितना वैकेंसी था दोस्तों, कौन से जोन में कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे सभी जोन का ब्रांच वाइज, यानी कहने का मतलब ब्रांच वाइज और पोस्ट वाइज भी कट ऑफ जा सकता है, एज पर डिपेंड करता है आरआरबी के द्वारा, क्योंकि दोस्तों सभी जोन में अलग अलग ब्रांच के अलग अलग पोस्ट थे और अलग अलग पोस्ट के अलग अलग जो है यहाँ पे स्टूडेंट उसमें एलिजिबल थे, तो डिपेंड करता है उस चीज को। लेकिन उतना एनालिसिस करना एक आम जो है स्टूडेंट को, एक आम व्यक्ति को डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, उतना कभी सटीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक सर्वे के अनुसार आपको बता रहा हूं कि इतना से इतना के बीच में अगर इतना अगर आपका स्कोर है तो समझिए कि आप एक सेफ स्कोर में जो है काउंट किए जाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं ये मैं दोस्तों एक स्टूडेंट के रिव्यू पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू। इसमें दोस्तों सभी जो है मैं कैटेगरी वाइज आपको बताया हूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उसमें मान के चलिए +5 नंबर या -5 नंबर ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई सटीक जो है आपका
कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन ऑन द एवरेज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ है, रॉ मार्क्स का कट ऑफ है, जो आपका आंसर की के बाद आप लोग जो नंबर काउंट किए हैं उसके बेसिस पे ये आपको कट ऑफ बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग बोर्ड बाय बोर्ड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलाहाबाद जोन का। तो दोस्तों अलाहाबाद जोन में वैकेंसी की बात करते हैं, 1446 वैकेंसी टोटल आया है इस बार जेई का। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 90 के आसपास, अगर 90 से प्लस 5 ज्यादा है जा सकता है, या फिर 90 से कम भी जा सकता है। अगर आपका स्कोर अभी आ रहा है तो समझिए आप सेफ स्कोर में है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कोई नहीं जान सकता है दोस्तों अभी कि कौन से शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेन वैरी करता है नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ कितना जो है एक्चुअल कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग मान के चलिए अभी रॉ मार्क्स अगर इसके आसपास प्लस 5 या माइनस 5 में है तो समझिए कि आप सेफ स्कोर में, सभी जोन का मैं बता रहा हूं, ठीक है। अलाहाबाद के देखते हैं, 90 के आसपास आपको है तो आप समझिए सेफ स्कोर में है। जनरल का, ओबीसी का 86 के आसपास में तो सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों। एससी का 80 के आसपास में है तो समझिए आप लोग सेफ स्कोर में है। एसटी का दोस्तों 75 के आसपास में तो समझिए सेफ स्कोर में है। पीएच फिजिकली हैंडीकेप्ड का अगर 70 के आसपास में, क्योंकि इनका सीट कम रहता है दोस्तों, तो एक एवरेज यहां पे इतना आ रहा था स्टूडेंट के रिव्यू के अनुसार। बात करते हैं यहां पे अहमदाबाद जोन का दोस्तों, तो मान के चलिए यहां पे अहमदाबाद में सीट जो अभी आया है 399, लगभग 400 सीट आया है दोस्तों। यहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी के 88 के आसपास आपका नंबर है रॉ मार्क्स में तो समझिए कि आपका सेफ स्कोर है। एंड ओबीसी के आसपास है दोस्तों, तो 85 के आसपास में अगर आप ला रहे हैं ओबीसी में तो समझिए सेफ स्कोर है। एससी का 82 के आसपास है, एसटी का 78 एंड पीएच फिजिकली हैंडीकेप का 73 के आसपास है तो समझिए आप लोग का सेफ स्कोर है। बात करते हैं अब हम लोग अजमेर जोन का। अजमेर जोन में टोटल वैकेंसी आया है 825, ध्यान दीजिएगा 825 अजमेर जोन में वैकेंसी आया है दोस्तों। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 में कट ऑफ यहाँ पे देख चुके हैं, रेलवे एएलपी का भी कट ऑफ देख चुके हैं दोस्तों फाइनल जो आया था। तो यहाँ पे 91 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो समझिए यहाँ पे सेफ स्कोर आप है। 84 के आसपास है दोस्तों, प्लस 5 माइनस 5 भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप सेफ स्कोर में है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू, ठीक है। एससी की बात करते हैं, अगर 80 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर में है। एसटी की बात करते हैं, 70 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर में है। एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड 65 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर में है। सभी जोन का मैं आपको डिस्कस करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। भोपाल जोन का बात करते हैं दोस्तों, 383 वैकेंसी इस वर्ष भोपाल जोन में आया है। अगर 89 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 86 के आसपास अगर बन रहा है ओबीसी का, ये आपका जो है दोस्तों जनरल का है, ओबीसी एंड एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जनरल का अगर 89 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर में माने जाएंगे। एंड ओबीसी का 86 के आसपास है तो सेफ स्कोर, 79 अगर एससी है तो आप सेफ स्कोर, एसटी का 76 है तो आप लोग सेफ स्कोर में माने जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका भुवनेश्वर जोन का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भुवनेश्वर जोन में वैकेंसी बहुत कम था, 242 वैकेंसी था दोस्तों जेई का। 90 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, क्योंकि जिस जोन में वैकेंसी कम है तो फाइनल मेरिट आने वाला है दोस्तों, तो फाइनल मेरिट में कट ऑफ भी हाई जाएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट में सिर्फ सीट के आसपास ही कुछ ज्यादा जो है वहां पर रिजल्ट देते हैं, तो फाइनल मेरिट में उसी के आसपास 90 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए आप लोग सेफ स्कोर में है दोस्तों, ठीक है। और 85 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर, अगर ओबीसी में है तो सेफ स्कोर में है। 80 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर एससी में है। एसटी में 78 एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड में 71 आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में है। जब मैं दोस्तों यहां पे सीबीटी 2 का एग्जाम हो रहा था, सर्वे जब करवा रहा था, तो उस वक्त स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे 140 अटेम्प्ट, 130 अटेम्प्ट, लेकिन
वो 100+ किन्हीं किन्हीं को ही देखने को मिल रहा है जो कि नंबर आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत से नेगेटिव मार्किंग भी बहुत स्टूडेंट का गिर रहा है। इसके बाद रॉ मार्क्स में ही पता चल रहा है कि कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे थे उस वक्त कमेंट कर रहे थे 140, 135, 145, कहने का मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन जो नंबर आया है उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिला है। अटेम्प्ट करने से नहीं होता है दोस्तों, एक्यूरेसी आपका कितना है वो मैटर करता है, मेन आपका एक्यूरेसी मैटर करता है, ठीक है। तो अभी जो राम मार्क्स में कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बेंगलोर जोन की बात करते हैं दोस्तों, बेंगलुरु जोन में 708 टोटल वैकेंसी है, 708 वैकेंसी में अगर 88 अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी का तो आप लोग सेफ स्कोर में है, 85 अगर आ रहा है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का इसके आसपास में तो आप लोग सेफ स्कोर में माने जाएंगे, और यहाँ पे 80 के आसपास आ रहा है दोस्तों अगर एससी का तो आप लोग सेफ स्कोर में है, 74 का अगर के आसपास आ रहा है नंबर आपका तो आपको लोग भी सेफ स्कोर में है एसटी कैटेगरी, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का 70 आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में है। ये सभी रॉ मार्क्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं बिलासपुर जोन का, बिलासपुर जोन में अगर यहाँ पे वैकेंसी आया है 404 वैकेंसी आया, कितना 404 वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों बिलासपुर जोन में अगर जनरल के अगर 87 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आप लोग भी सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है, एंड यहाँ पे दोस्तों 84 ओबीसी के आस में जो आपका आ रहा है तो समझिए कि आप लोग भी आपका स्कोर भी अच्छा खासा माना जाएगा, 79 एससी कैटेगरी, 76 एसटी कैटेगरी एंड फिजिकली हैंडीकैप का 69 है। बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ जोन का, चंडीगढ़ जोन का 996 वैकेंसी आया है, कितना 996, ठीक है दोस्तों। तो 996 वैकेंसी में जनरल की बात करते हैं, 91 अगर आपका आ रहा है 91 के आसपास तो समझिए आप लोग सेफ स्कोर में है, 86 के आसपास आ रहा है दोस्तों ओबीसी तो सेफ स्कोर है, 79 एससी कैटेगरी के आ रहा है तो सेफ स्कोर है, 75 एसटी कैटेगरी है तो सेफ स्कोर है, एंड 65 दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड का है तो आप लोग भी सेफ स्कोर में जो है काउंट किए जाएंगे। बात करता हूं दोस्तों चेन्नई जोन का, चेन्नई जोन में जो बात करते हैं तो यहां पे टोटल वैकेंसी आया है 1183 वैकेंसी, कितना 1183 वैकेंसी चेन्नई जोन में आया है, ठीक है। तो यहां पे बात करता हूं जनरल का अगर 88 के आसपास है दोस्तों तो आप लोग भी सेफ स्कोर में माने जाएंगे, 84 के आसपास है तो यहाँ भी सेफ स्कोर ओबीसी में काउंट किया जाएगा दोस्तों, 77 के आसपास है तो आप लोग भी सेफ स्कोर एससी कैटेगरी के होंगे, एंड 70 के आसपास है दोस्तों एससी एसटी के तो आप लोग भी सेफ स्कोर में काउंट किए जाएंगे, एंड 65 के आसपास में है आपका अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वहां पे सेफ स्कोर 65 के आसपास रखा गया है, इसी के आसपास जाने वाली है दोस्तों, ठीक है। और ये सभी जो है वेरिएशन आपका करेगा मेन नॉर्मलाइजेशन के बाद में, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये आपको रॉ मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ जो आपका आंसर की आया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब गोरखपुर जोन का, गोरखपुर जोन में अगर आपका 645 के आसपास है, 645 यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी आया है, अगर 90 के आसपास आपका नंबर आ रहा है इसके आसपास तो समझिए आप लोग सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। 85 के आसपास आ रहा है दोस्तों तो आप लोग सेफ स्कोर हैं जो ओबीसी, एंड एससी की बात करते हैं 80 एंड एसटी का 73 एंड 67 पीएच कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप्ड का। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है गुवाहाटी जोन का, ध्यान से देखिएगा गुवाहाटी जोन में टोटल वैकेंसी जो आया है 556 वैकेंसी टोटल आया है दोस्तों, इसमें अगर आपका 89 के आसपास अगर जनरल में आ रहा है तो समझिए आपका सेफ स्कोर में माना जाएगा, ठीक है। गुवाहाटी जोन में थोड़ा सा कट ऑफ का जो है वेरिएशन दिखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाता है, एंड 84 की अगर जनरल की ओबीसी की बात करते हैं 84 के आसपास है तो आप भी सेफ स्कोर में है, 79 के आसपास है तो अभी आपका एससी कैटेगरी में सेफ स्कोर है, 73 के आसपास है आपका स्कोर एसटी कैटेगरी तो आप भी सेफ स्कोर में है, 69 के आसपास है आपका अगर पीएच कैटेगरी के हैं तो आपका भी सेफ स्कोर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, +5 या -5 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये सब वेरी करेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, मैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे जो स्टूडेंट सर्वे यहाँ पे कर रहे थे, स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे उसके बेसिस पे आपको ये आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको डिक्लेयर बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बात करता हूं अब नेक्स्ट जोन आता है जम्मू जोन, ध्यान दीजिएगा जम्मू जोन में 460 टोटल वैकेंसी है, कितना 460 वैकेंसी है, यहाँ पे वैसे दोस्तों कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 85 अगर जनरल के कैटेगरी के हैं तो समझिए आपका सेफ स्कोर माना जाएगा,
80 के आसपास दोस्तों आपका अगर कैटेगरी है दोस्तों ओबीसी तो सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 76 के आसपास है आपका तो भी सेफ स्कोर माना जाएगा एससी कैटेगरी में, एंड एसटी कैटेगरी 74 के आसपास एंड 67 आपका जाएगा दोस्तों ये जो है पीएच कैटेगरी का। मालदा जोन की बात करते हैं, मालदा जोन में वैकेंसी कम है, 248 वैकेंसी, कितना 248 वैकेंसी है मालदा जोन में। 86 अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग सेफ स्कोर हैं, 79 अगर आपका ओबीसी कैटेगरी के आसपास आ रहा है दोस्तों तो आप लोग सेफ स्कोर है, 75 अगर आपका एससी कैटेगरी के में आ रहा है तो सेफ स्कोर है, 70 आपका अगर एसटी कैटेगरी में आ रहा है तो सेफ स्कोर माना जाएगा, 66 दोस्तों यहां पे अगर आपका आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर माने जाएंगे पीएच कैटेगरी के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लस 5 या 10 हो सकता है दोस्तों, माइनस 5 या 10 हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट रिव्यू के अनुसार आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। इससे कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि इसके आसपास आ रहा है, और साथ साथ में सभी लोग वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कौन से जोन में कितना आप लोग को भी आंसर आया जो है आंसर की देखने के बाद नंबर आया है। मुंबई जोन में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा था, मुंबई हाईलाइटेड जोन था दोस्तों, यहाँ पे 1544 वैकेंसी था। अगर 90 के आसपास आ रहा है आपका जनरल कैटेगरी के हैं और 90 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे आपका जो है इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, 90 के आसपास दोस्तों। अगर 5 या 7 नंबर कम है या 5 या 7 नंबर ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है, उसी के आसपास आप लोग जो है सेफ स्कोर में काउंट किए जाएंगे। 85 के आसपास दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी के आपको आ रहा है तो समझिए सेफ स्कोर में है, एंड 80 के आसपास आपका जो आ रहा है एससी कैटेगरी में तो भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 78 के आसपास आ रहा है दोस्तों आपका एसटी कैटेगरी में तो भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 71 के आसपास पीएच कैटेगरी के आ रहा है तो समझिए सेफ स्कोर यहां पे भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रांची जोन का, रांची जोन में 365 वैकेंसी है, कितना 365 वैकेंसी है, ठीक है। यहां पे बात करता हूं दोस्तों 91 के आसपास आपका जनरल कैटेगरी के आ रहा है तो समझिए आपका स्कोर सेफ है दोस्तों, ठीक है। एंड 86 के आसपास आ रहा है ओबीसी कैटेगरी का तो भी आपका सेफ स्कोर है, 71 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर है, एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी के आ रहा है तो आपका 79 के आसपास तो भी आपका सेफ स्कोर है, यहाँ 68 के आसपास फिजिकली हैंडीकैप्ड के आ रहा है तो सेफ स्कोर माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट जोन आता है दोस्तों आपका पटना जोन, जो कि पटना जोन भी हाईलाइटेड जोन है, ठीक है। 299 सीट यहाँ था दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा फाइनल मेरिट के अनुसार आएगा दोस्तों तो वहां पे कट ऑफ कुछ हाई ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है तो कट ऑफ हाई ही रहेगा मेरिट फाइनल मेरिट के जो आएगा। यहाँ पे दोस्तों 92 के आसपास है तो समझिए आपका सेफ स्कोर है, 87 के आसपास ओबीसी में सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 80 के आसपास दोस्तों एससी कैटेगरी का सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड एसटी का 75 के आसपास है तो सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 69 के आसपास है फिजिकली हैंडीकैप तो आपको सेफ स्कोर माना जाएगा। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में 195 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी में 195 वैकेंसी है, 88 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो समझिए आपका सेफ स्कोर है, 83 ओबीसी का आपका आ रहा है तो सेफ स्कोर माना जाएगा, 79 दोस्तों अगर आपका आ रहा है एससी कैटेगरी तो आपका सेफ स्कोर है, 75 अगर एसटी कैटेगरी का तो सेफ स्कोर है, 69 अगर दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड के तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा सिलीगुड़ी जोन में। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है मुजफ्फरपुर जोन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर जोन में आपका वैकेंसी बहुत ही कम है, कितना 114 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल मेरिट में कट ऑफ हाई जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी कम है तो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ जो है हाई जाएगा, ठीक है। अगर 92 के आसपास आपका राम अक्ष आ रहा है यहाँ पे आंसर के बाद तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, 88 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर ओबीसी में काउंट किया जाएगा, 80 के आसपास अगर आ रहा है दोस्तों एससी कैटेगरी का तो आपका भी सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, 78 के आसपास आ रहा है एसटी कैटेगरी में तो आपका भी सेफ स्कोर यहां पे काउंट किया जाएगा, 73 के आसपास फिजिकली हैंडीकैप के अगर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं दोस्तों सिविल ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सभी जो ब्रांच है दोस्तों उसमें सिविल ब्रांच का कट ऑफ सभी जोन में लगभग
और अदर ब्रांच के कंपेयर में कम ही जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि सिविल ब्रांच का सीट और अदर ब्रांच से कंपेयर किया जाए तो सभी जोन में ज्यादा सीट था और सेपरेट सीट था, ठीक है, उसमें कोई अदर ब्रांच वाला फाइट नहीं कर सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिविल वाले ही मैक्सिमम जो है सीट उसी में फाइट कर सकते हैं, इसलिए सिविल का कट ऑफ थोड़ा और ब्रांच की कंपेयर में कम ही जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी का कट ऑफ दोस्तों उसके कंपेयर में हाई ही जाएगा सिविल के कंपेयर में, ठीक है। बात करता हूं तिरुवनंतपुरम का दोस्तों, त्रिवेंद्रम का यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 137 वैकेंसी है यहाँ पे त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में 137 सीट है दोस्तों, अगर 89 के आसपास यहाँ पे अगर आपका स्कोर जनरल में आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी फाइनल मेरिट ही आएगा और यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ ही थोड़ा सा ज्यादा ही जाने वाला है, एंड 84 के आसपास अगर आ रहा है आपका जनरल के ओबीसी कैटेगरी का तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा, 73 के आसपास आ रहा है दोस्तों अगर आपका कैटेगरी एससी है तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा, 78 के आसपास अगर एसटी कैटेगरी है तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 70 के आसपास अगर आपका पीएच कैटेगरी है तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे हाईलाइटेड जोन साउथ जोन सिकंदराबाद, ध्यान दीजिएगा साउथ का सबसे हाईलाइटेड जोन सिकंदराबाद है, इसमें वैकेंसी कितना आया था, 789 वैकेंसी आया था, अगर जनरल कैटेगरी में 90-92 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा, 87 ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका भी यहाँ पे दोस्तों सेफ स्कोर माना जाएगा, 80 के आसपास अगर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे एससी कैटेगरी तो आपका भी सेफ स्कोर माना जाएगा, एंड 76 के आसपास आ रहा है एसटी कैटेगरी तो आपका भी यहाँ पे सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे पीएच कैटेगरी का, तो 71 के आसपास आ रहा है तो आपका भी यहाँ पे सेफ स्कोर में काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट जोन जो आता है कोलकाता जोन, ये भी बहुत हाईलाइटेड चर्चित जोन है दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छा खासा है, 1519 वैकेंसी यहाँ पे इस वर्ष आया है, अगर 90 के आसपास अगर आपका आ रहा है स्कोर दोस्तों जनरल कैटेगरी में तो आप भी सेफ स्कोर में है, 85 के आसपास ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, 80 के आसपास अगर एससी कैटेगरी में है तो आपका भी यहाँ पे सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, एंड 78 के आसपास है तो सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा एसटी कैटेगरी का दोस्तों, एंड 69 के आसपास आपका पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के हैं तो आपका भी यहाँ पे सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस सभी जोन का हम लोग देख चुके हैं, और दोस्तों इसी के आसपास अगर आप लोगों का स्कोर आ रहा है तो समझिए आप लोग जो है सेफ स्कोर में काउंट किए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये जो है आपका नॉर्मलाइजेशन के पहले का जो मैं कट ऑफ जो आपको शो किया हूं, नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ है, आपका जो आंसर किया है उसके बेसिस पे स्टूडेंट सब रिव्यू यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, प्लस में कुछ रिव्यू का मैंने वहां पे रिपोर्ट देखा, उसके अनुसार यहाँ पे दोस्तों आपको कट ऑफ एक ऑन एंड एवरेज आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये जो मैं कट ऑफ आपको बताया हूं प्लस 5 से 7 नंबर ज्यादा है या 5 से 7 नंबर कम है तो भी आप लोग एक सेफ स्कोर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आपका फाइनल जो मेरिट आएगा दोस्तों उसमें जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो एक्चुअल कट ऑफ आएगा वो रेलवे ही लेकर के आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ाएगा, कौन से शिफ्ट में कितना जो है वो उसी को पता है, तो वो जो ओरिजिनल कट ऑफ आएगा वो रेलवे के द्वारा ही आएगा, ये स्टूडेंट के बेसिस पे आपको आपको कट ऑफ बताया गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस कट ऑफ से आप लोग सही तरीका से सहमत होंगे, आप लोग साथ साथ में लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कौन से जोन है और कितना जो नंबर आया है आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इवनिंग तक यहाँ पे आज जो है एसएससी जेई का दोस्तों आज लास्ट एग्जाम है, एसएससी जेई का कट ऑफ भी इवनिंग तक आपको एक सटीक, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के द्वारा रिव्यू भी करवाया जा रहा था लाइव फ्रॉम सेंटर से, तो आपका अटेम्प्ट के अनुसार स्टूडेंट का रिव्यू के अनुसार आपको एक सटीक जो है दोस्तों एसएससी जेई टायर 1 का भी कट ऑफ शाम तक प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।